नमस्कार, मैं आपको पढ़ा रहा था हाइड्रोलिक मशीन्स। और हाइड्रोलिक मशीन्स में हम लोगों ने बात की थी स्पेसिफिक स्पीड की, और अब हम लोग स्पेसिफिक स्पीड में जो बातें कर चुके थे उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बातें हुई थी। हम लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, और इस फार्मूले में मैंने बताया था कि पावर स्पेसिफिक स्पीड हेड किस किस यूनिट में होगा, ये बात हो गई। फिर अब इससे कुछ कन्फ्यूजन निकालते हैं। कन्फ्यूजन निकालते हैं तो कन्फ्यूजन क्या होगा, देखिए। पहली बात, स्पेसिफिक स्पीड आपको फार्मूला याद है, तो स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला है, स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला है वो है एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। इससे पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो, स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक स्पीड और आरपीएम दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। मतलब नॉर्मली, जनरली जिस टरबाइन की रनिंग स्पीड ज़्यादा होगी, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड केवल आरपीएम का या रिवोल्यूशन पर मिनट का या रोटेशनल स्पीड का फलन नहीं है। स्पेसिफिक स्पीड पावर, हेड और आरपीएम तीनों पर डिपेंड कर रही है। ये केवल एक को लेके हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन सामान्य बात कर सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जिस टरबाइन की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है उसकी स्पेसिफिक स्पीड भी ज़्यादा होती है। पर सामान्यतः, जनरली, हमेशा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और उसका इधर देखा जाए, जिस टरबाइन का हेड कम होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी। और इसी बात को मैंने लेकर मैंने बताया था कि इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन हाई हेड होती है। पेल्टन टरबाइन का हेड हाई तो स्पेसिफिक स्पीड लो, कप्लान और प्रॉपलर का हेड लो तो स्पेसिफिक स्पीड हाई। याद आया आपको, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने टरबाइन में ये बात बोली थी, वो यहाँ लिखा है। इट मीन्स हाई हेड टरबाइंस, हाई हेड टरबाइंस वुड हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड देन टरबाइन वर्किंग अंडर मीडियम एंड लो हेड। ठीक है, लो हेड या मीडियम हेड पे काम करने वाले टरबाइन की तुलना में हाई हेड वाले टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, लो होगी। कुल मिला के हेड हाई तो स्पेसिफिक स्पीड लो, हेड लो तो स्पेसिफिक स्पीड हाई, हेड मीडियम तो स्पेसिफिक स्पीड ही मीडियम। ये बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। उस दूसरा तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिक स्पीड इज नॉट अ प्योर नंबर। एक प्योर नंबर नहीं है। प्योर नंबर का मतलब होता है डायमेंशनलेस नंबर। प्योर नंबर का मतलब होता है डायमेंशनलेस नंबर, मतलब जिसकी कोई यूनिट ना हो। स्पेसिफिक स्पीड एक डायमेंशनलेस नंबर नहीं है, प्योर नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि स्पेसिफिक स्पीड की एक यूनिट होती है, एक डायमेंशन होता है। स्पेसिफिक स्पीड की एक यूनिट होती है, एक डायमेंशन होती है, और वो स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट या डायमेंशन वो ये है। ठीक है, अब थोड़ा रुकिए, दुविधा जो होगी वो पहले बताता हूँ, फिर चीज़ों को और क्लियर करता हूँ। पहले सवाल क्या के दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर स्पेसिफिक स्पीड को जब हमने डिफाइन किया तो हमने कैसे डिफाइन किया था, स्पेसिफिक स्पीड द स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दैट टर्बाइन विच विल वर्क अगेंस्ट या विच विल वर्क अंडर 1 मीटर हेड वाइल प्रोड्यूसिंग 1 किलो वॉट पावर। आपने देखो कैसे परिभाषित किया सर, स्पेसिफिक स्पीड किसके बराबर, स्पेसिफिक स्पीड किसके बराबर आपने बताई है, बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा स्लाइड बढ़ गई आगे। स्पेसिफिक स्पीड किसके बराबर आपने बताई है, आपने आरपीएम बराबर बताई है। इसलिए स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट तो आरपीएम वाली होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, रुकिए, स्पेसिफिक स्पीड की जो यूनिट है, इसके बारे में यूनिट होती कि नहीं होती, यूनिट होती है, यस यूनिट है सर। ये यूनिट जो होती है ये आरपीएम होती होगी, क्योंकि आप जब परिभाषित कर रहे तो ऐसे कर रहे थे। आंसर है नो, यूनिट आरपीएम नहीं होती। अच्छा, स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट होती है, यस, मतलब ये यूनिटलेस टर्म नहीं है, डायमेंशनलेस टर्म नहीं है, प्योर नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब कोई यूनिट होती है और वो यूनिट आरपीएम तो नहीं है। स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट होती है और वो यूनिट आरपीएम नहीं है। अच्छा ठीक है सर, कोई यूनिट होती होगी, अगर वो आरपीएम नहीं है तो क्या है,
देखो तो जो भी होती है वो बहुत ही बेतुकी यूनिट है, ठीक है, इररेलीवेंट यूनिट है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम स्पेसिफिक स्पीड लिखते, जैसे हमने लिखा कि कपलान टर्बाइन, जैसे हमने क्या लिखा कपलान टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड किसके किस किस रेंज में आएगी, हमने बताया था अब स्पेसिफिक स्पीड की बात हो रही है हेड की नहीं, स्पेसिफिक स्पीड 300 से लेकर 1000 के बीच होगी। तो यहां मैंने 300 से 1000 लिखा, पर 300 और 1000 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखी। तो बच्चे को लगता है कि स्पेसिफिक स्पीड की कोई यूनिट नहीं होती सर, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया यूनिट होती है, और आरपीएम नहीं लिखा है, आरपीएम है भी नहीं। तो सर स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट होती है तो आप लिख क्यों नहीं रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट इतनी बेतुकी है कि सभी जानते हैं ये यूनिट है, पर लिखते नहीं है क्योंकि सबको पता है। तो बिना मतलब में बेतुकी सी यूनिट लिखें, उसको बार बार कोई गलती हो जाए उसको फिर उसमें भी करेक्शन करना पड़े, इससे अच्छा ये होता है कि ये कन्वेंशन बन गया है, एक तरीका बन गया है कि स्पेसिफिक स्पीड जब भी लिखी जाए उसकी यूनिट ना लिखी जाए, मतलब बिना यूनिट के लिखा जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, वो एक प्योर नंबर है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक प्योर नंबर नहीं है, डायमेंशनलेस नहीं है, यूनिटलेस नहीं है, इट हैज अ यूनिट, और वो यूनिट आरपीएम नहीं है, कुछ और है, जो है वो बड़ा बेतुका है। अच्छा सर, आपने बताया कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पेसिफिक स्पीड का वो ये है, मैं कैसे मान लूं? चलो मैं भी साबित कर देता हूं ये फार्मूला होता है। क्यों साबित करूंगा सर, एग्जाम में पूछता होगा डायमेंशनलेस फार्मूला? नहीं भाई, नहीं पूछता। मैंने आज तक अपने जीवन में जो पेपर देखे हैं उनमें सवाल ये नहीं पूछा गया स्पेसिफिक स्पीड का ये फार्मूला या डायमेंशनलेस ये डायमेंशन। कुछ लोग उसको डराइव करते हैं, मैंने देखा है कई लोग उसको डराइव करते हैं, तो मैं भी कर दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको भी नहीं याद रखना है, आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको, और बात समझो। तो इसका डायमेंशन होता है, अब अगर इस डायमेंशन को देखिए तो मीटर की एम की पावर 1/2, मीटर नहीं ये एम है, एम मतलब मास का, एम मास की पावर 1/2, लेंथ की पावर -1/4, टी की पावर -5/2, मास के ऊपर 1/2, लेंथ के ऊपर -1/4, टाइम के ऊपर -5/2, कितना बेतुकी यूनिट बन रही है, आप देख रहे हैं डायमेंशन कितना बेतुका है। तो याद भी कर लेंगे तो लिखेंगे नहीं बार बार, आप खुद कहेंगे कि सब लोग मतलब ये अंडरस्टूड है कि यूनिट होती है पर लिखना नहीं है। स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट होती है यस, आरपीएम होती है नो, कुछ होती है वो हम याद नहीं रखते और ना लिखते हैं बार बार। चलो अब मैं इस फार्मूले को प्रूफ कर देता हूँ आपके सामने, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि क्या हो, तो देखो अब आप कहो कि सर यूनिट कैसे लिखेंगे, हमने कहा देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट लानी है, डायमेंशन लाना है, फार्मूला होता है एन अंडर रूट पी, ये पी क्या होता है पावर, और ये होता है एच, सॉरी एन गलत लिख दिया, सही करते हैं, एन अंडर रूट पी पावर है, ये प्रेशर नहीं है, एच की पावर 5/4। अब एक बात समझिए, ये n क्या है, n है rpm, rpm का मतलब क्या होता है, rpm का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन प्रति मिनट। तो अगर आप कहें कि रेवोल्यूशन की क्या यूनिट है, तो रेवोल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, रेवोल्यूशन एक टर्म है बस, rpm का मतलब 1/मिनट, बस 1/मिनट। तो अगर rpm का आप डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन होगा 1/t, आरपीएम क्या होगा 1/t, हेड, हेड क्या क्या होगा, हेड एक लंबाई होती है, इसका क्या होगा एल, और एल की पावर 5/4, एल की पावर 5/4। अब ये पावर है, पावर का निकालते हैं, पावर का तो पावर की यूनिट क्या होती है आप बताओ, पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और जूल क्या ले सकते हो न्यूटन मीटर, सेकेंड को लिखा रहे हैं तो सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये बताओ न्यूटन क्या ले सकते हो, न्यूटन आप जानते हो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma, तो इसको न्यूटन बोलेंगे, इसको मास है ये एक्सीलरेशन है, तो जहां न्यूटन लिखना है
वहां एक काम करो, मास की यूनिट लिखो। मास का क्या होगा? मास होगा किलोग्राम। मास क्या होगा? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो देखो बताता हूं मैं। आप एक काम करो, मास क्या लिखोगे? मास क्या लिखोगे? एम। एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? एल टी पावर -2। तो ये केवल एफ का हुआ, एफ हमने एफ का लिख दिया। अब एम, एम में क्या होगा? एम मतलब मीटर, लेंथ एल, और टाइम का टी। अब इसे अरेंज करो, इसे अरेंज करोगे तो क्या होगा? ये एम एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर टी की पावर -3। अब एक बात बताओ, अगर मैं पावर की जगह पे ये लिख दूं और सब अरेंज करूं तो क्या होगा? देखो, पावर यहां पहले स्पीड का 1/T, ये होगा 1/T। पावर का लिखो एम एल स्क्वेयर टी की पावर -3, और नीचे टी है ही है, सॉरी अरेंज हो गया, तो टी की पावर -3 हो गया ना, और एल पावर 5/4। नीचे क्या होगा? एल पावर 5/4। सॉ रुको रुको रुको, ये तो पावर का है, तो पावर का है, और यहाँ अंडर रूट भी है पावर के ऊपर, का मतलब आप क्या करना है, ये की पावर 1/2 भी करना है। ठीक है, अब अरेंज करो। देखो एम यहाँ पर है, और एम की पावर 1/2, एम की पावर 1/2, और कहीं एम है भी नहीं। अब यहाँ देखो एल स्क्वेयर है, जब 1/2 करोगे तो केवल एल बचेगा, यहाँ एल की पावर 1 बचेगी केवल, और 5/4 घटाओगे क्योंकि ये ऊपर है, नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 1 -5/4 कितना होगा? -1/4, एल की पावर -1/4, और टी की पावर -3 है, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे -3/2 हो जाएगा, तो -3/2 ये हो गया, और कुछ है भी नहीं, तो चलो वही लिख दो -3/2। अच्छा ये भी तो है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब बताओ ये -3/2 -1 -5/2 होगा, का मतलब टी की पावर -5/2। ये देखो, तो ये आपका आ गया स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशन। एम पावर 1/2 पावर 1/2, एल पावर -1/4, एल पावर -1/4, टी पावर -5/2, टी पावर -5/2। हो गया, ऐसे कर लो, एग्जाम में आएगा, बहुत कम चांस है, आज तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा है। अगर आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, याद मत रखिएगा इसको, ठीक है? याद रखने में ज़्यादा महत्व लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी आपकी। तो ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब डायमेंशनलेस स्पेसिफिक, क्या हुआ कि हम लोग देखें कि स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशन होती, यूनिट होती है, वो एक डायमेंशनलेस पद नहीं है, इस यूनिटलेस पद नहीं है, लेकिन क्या हम उस स्पेसिफिक स्पीड को कुछ जुगाड़ लगा के डायमेंशनलेस बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला है एन अंडर रूट पी, पी है पावर, नॉट प्रेशर, पावर, और नीचे क्या है? एच की पावर 5/4, की पावर 5/4। एक काम करो, क्या काम करो मैं बताता हूँ। इस पावर में आप डेंसिटी से डिवाइड करो, पावर प्रेशर नहीं है, पावर है, ठीक है, और इस h में g से मल्टीप्लाई कर दो, और तब दोनों की होल पावर ले लो, ठीक है? पावर में डेंसिटी से डिवाइड कर दो फ्लूड की, और g से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और अब जब तुम सॉल्व करके इसकी डायमेंशन निकालोगे तो आप पाओगे m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। मतलब आपने जो अरेंजमेंट किया उससे क्या हुई, ये वाला अब स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशनलेस बन गया। और अगर ये डायमेंशनलेस बन गया है तो इसको हम एक नया सिंबल दे देते हैं, उसको सिंबल दे देते हैं एस, क्या देते हैं? एस। अच्छा, इसको एक खास नाम भी दे देते हैं, डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड को एक खास नाम, एस का मतलब ये शेप नंबर, तो शेप नंबर ही बोल देते हैं, ठीक है? डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड को शेप नंबर ही बोल देते हैं, या कई बार किताबों में इसको टाइप नंबर भी लिखा रहता है, शेप नंबर या टाइप नंबर, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशनलेस हो चाहे डायमेंशन वाली हो, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के शेप बदलने बदलती, साइज पे नहीं। मैंने बताया था टरबाइन के शेप बदलने बदलेगी, साइज बदलने पे नहीं,
मतलब स्पेसिफिक स्पीड का किससे मतलब है? शेप से, टाइप से, इसीलिए शेप नंबर या टाइप नंबर। हाँ, किताबों में ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है शेप नंबर या टाइप नंबर, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड के लिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग जो स्पेसिफिक स्पीड जिसकी डायमेंशन थी उसको भी शेप नंबर और टाइप नंबर बोल देते हैं। गलत नहीं है, चल जाता है, बोल चाल की भाषा में चल जाता है, निष्कर्ष निकालने में चल जाता है, पर बुक्स में शेप नंबर और टाइप नंबर किसको बोला गया है? डायमेंशनलेस वाले को, डायमेंशनलेस स्पेस। तो इसी लिखा है डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड और शेप नंबर और टाइप नंबर, और मैंने क्या किया देखो, पी बाई रो जी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साफ करते हैं बोर्ड को। देखो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखो, छठा पॉइंट। मैंने बताया था स्पेसिफिक स्पीड को शेप से मतलब होता है, साइज से नहीं। आपको मैंने बताया था अगर ढेर सारी मशीन्स हैं सब ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मतलब सबकी शेप एक जैसा है परंतु साइज अलग अलग है, स्पेसिफिक स्पीड सब टर्बाइन से क्या होंगी, सब मशीन्स क्या होंगी? सेम। मशीन्स ढेर सारी हैं पर शर्त क्या है? जब सब ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर बोलते ही सबकी स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। वही देखो लिखा है, स्पेसिफिक स्पीड रिलेट्स द शेप ऑफ द टर्बाइन रादर देन द साइज ऑफ द टर्बाइन। स्पेसिफिक स्पीड का मतलब स्पेसिफिक स्पीड किस संबंधित है? शेप से, ना कि साइज से। इस लाइन का ये मतलब निकलता है। और विश्वास मानिए जेई में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिला के 3 से 4 बार यही लाइन आई है, कि ये सेम लाइन, एक वर्ड एक्सचेंज नहीं किया, स्पेसिफिक स्पीड रिलेट्स द शेप ऑफ द टर्बाइन रादर देन द साइज ऑफ टर्बाइन। और ये वर्ड लिख के पूछा कि सही है गलत स्पेसिफिक स्पीड के संदर्भ में, ये बिल्कुल सही है। जब भी अगर स्पेसिफिक स्पीड संदर्भ में पूछा है और ये लाइन लिखी है तो आप क्या मानेंगे? सही। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, शेप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑल द टर्बाइंस ऑफ द सेम शेप हैव सेम स्पेसिफिक स्पीड। मतलब शेप जब तक नहीं बदलेगा स्पेसिफिक स्पीड नहीं बदलेगी, मतलब जब तक मशीनें ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगी उनकी स्पेसिफिक स्पीड सेम होंगी चाहे उनका साइज कुछ भी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन थी, इसको आप चार मान लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पेल्टन टर्बाइन को लेकर, पेल्टन टर्बाइन को लेकर एक न्यूमेरिकल बनता है, खास न्यूमेरिकल जो हमें, जो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकता है, आपके डिप्लोमा में आज तक नहीं आया है, जेई में नहीं आया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है। तो मैं बताता हूँ क्या है, देखो है क्या। आपको मैंने बताया था सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन और मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन, ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए ये क्या है, ये पेल्टन टर्बाइन है, लेकिन जरा देखिए ये जो पेनस्टॉक आ रहा है, ये जो पेनस्टॉक है जो आ रहा है, ये पेनस्टॉक आ रहा है, ठीक है, कहीं से आ रहा है, पेनस्टॉक पानी है। मैंने इस पेनस्टॉक में यहाँ पे एक नोजल लगा रखा, एक नोजल नंबर ये, एक नोजल ये, एक नोजल ये, एक नोजल ये, ये कितने नोजल हैं? चार, चार बने, चार दिख रहे हैं आपको। ये बीच में क्या है? रनर। किसका रनर है? पेल्टन टर्बाइन का रनर है ये। तो ये टर्बाइन जो है पेल्टन टर्बाइन है, पर सिंगल जेट की मल्टी जेट, मल्टी जेट देखो, एक जेट, दो जेट, तीन जेट, चार जेट, मल्टी जेट, जहाँ चार जेट हैं। तो सवाल उठता है कि सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन की तुलना में मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसका आंसर है टू प्रोड्यूस मोर पावर, टू प्रोड्यूस मोर पावर। मान लीजिए मैंने एक ही जेट लगाया होता, मान लो यही एक जेट है, बाकी ये सब नहीं है, तो एक जेट है और अगर एक जेट से पावर पैदा हो रही है, मान लीजिए पी, कितनी पावर पैदा हो रही है एक जेट से? पी, पेल्टन टर्बाइन है सिंगल जेट, सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन, उससे पावर पैदा हो रही है पी। लेकिन अगर मैं फिर पेनस्टॉक में और भी जेट लगा दूं, और भी नोजल बना दूं, मान लो कितने नोजल लगा दिए आपने, एन, तो सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन से जो पावर पैदा हो रही थी अब पावर एन गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी? एन गुना। यह है मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन में पैदा होने वाली पावर, यह है सिंगल जेट टर्बाइन में पैदा होने वाली पावर, यह है नंबर ऑफ जेट या नंबर ऑफ नोजल। मतलब अगर आपने सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन लगाई और पावर पैदा हो रही मान लीजिए 50 मेगावाट, कितनी पैदा हो रही 50 मेगावाट, और नंबर ऑफ जेट चार कर दिए उसी टर्बाइन में, नंबर ऑफ जेट चार कर दिए, पावर भी चार गुने हो जाए, नंबर ऑफ जेट जितने टाइम्स, पावर भी उतने टाइम्स। सिंगल जेट से 50 मेगावाट थी तो चार जेट से कितना हो जाएगा, 50 चौको 200,
200 मेगावाट पैदा हो। ठीक है, समझ रहे बात को? ओके, तो आपने देखा कि मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन का इस्तेमाल हम ज्यादा पावर प्रोड्यूस करवाने के लिए करते हैं। मतलब जब भी आपको ज्यादा पावर प्रोड्यूस करवानी होगी तो आप क्या करोगे, सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन की जगह पे मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन को यूज करो। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक सवाल तो ही बन सकता है, एक पेल्टन टर्बाइन है 50 मेगावाट पैदा कर रहा है, नंबर जेट चार कर दिए तो अब टोटल पावर कितनी पैदा, टोटल पावर कितनी पैदा होगी? तो आप क्या करेंगे, 50 4 200 हो गया 200 मेगावाट। एक सवाल तो ये बनता है, तो आपने देखा कि मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन कैसे दिखेगी। ठीक है, ये आप समझ में आ रही बात आपको? और ये जो आपको दिख ही रहा है स्पीयर रॉड है, ये भाला क्यों होता है, ये स्पीयर रॉड का उपयोग क्यों करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ गवर्निंग। ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन में कैसे गवर्निंग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पीयर रॉड। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब देखो आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये देखिए स्पेसिफिक स्पीड की बात भी कर लेते हैं, स्पेसिफिक स्पीड की बात कर लेते। देखो इफ द नंबर ऑफ जेट ऑफ इज ओनली वन, नंबर जेट क्या है, मतलब सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन, मतलब टर्बाइन कौन सी है, सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन, तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन है स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड वही होगी एन अंडर रूट पी, लेकिन ये पी कौन सा होगा, पी होता है टोटल पावर, पी हमेशा कौन सी होती है, टर्बाइन से डेवलप होने वाली टोटल पावर, बटे एच की पावर 5/4। और मान लो इस स्पेसिफिक स्पीड का मान है एन एस। ओके, अब क्या करते हैं, इफ द नंबर ऑफ जेट इज एन, नंबर ऑफ जेट मैंने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ जेट मैंने बढ़ा दिया, तो बताइए जो स्पेसिफिक स्पीड होगा, ये लाइन थोड़ा ऊपर वाले की, ये लाइन ऊपर वाले की काट देता हूँ, ये ऊपर वाले के जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ जेट एन है तो नंबर ऑफ जेट एन होने के बाद स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, देखिए एन एस डैश, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एन अंडर रूट पी डैश, पी डैश क्योंकि स्पेस आरपीएम तो वही रहेगा ना, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी वही पता करनी है, जितनी बिजली के हिसाब से जो बिजली की फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से आरपीएम फिक्स हो चुका होगा, हेड भी फिक्स हो चुका है, लेकिन अगर नंबर ऑफ जेट बढ़ाओगे तो पावर, यहाँ भी टोटल पावर है, टोटल पावर पी डैश, आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ जेट बढ़ाओगे तो पावर जो प्रोड्यूस होगी वही बढ़ जाएगी, कितने गुना बढ़ जाएगी, एन गुना, वही मैंने बताया था आपको। देखो न्यू पावर, न्यू पावर जो पी डैश है वो कितना होगा, सिंगल जेट्स जो पावर पैदा हो रही है उसका एन गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब बताओ यहाँ टोटल पावर ही लिखना हमेशा, अब टोटल पावर जब यहाँ लिखोगे तो एन पी, अब एक काम करो इस एन पी को खोल दो, तो अंडर रूट एन पी खोलोगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट एन पी खोलोगे तो क्या बनेगा, देखो लिखा क्या है, एन एस डैश क्या है, एन अंडर रूट एन पी बटे एच की पावर 5/4, ये लिखा है। एक काम करो एन को लिखा रहने दो तो खोल दो, अंडर रूट एन अंडर रूट पी और एच की पावर 5/4, इस अंडर रूट एन को आगे ले लो, अंडर रूट एन सॉरी अंडर रूट एन को आगे ले लिया स्मॉल एन को, और बाकी सबको साथ रखो, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, और क्या इसको आप पहचान रहे हो, ये स्पेसिफिक स्पीड है किसकी, सिंगल जेट की, सिंगल जेट की स्पेसिफिक स्पीड में क्या लिखी है, एन एस, क्या लिखी है, एन एस। तो ये हो गया मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड एन एस डैश बराबर हो गया अंडर रूट एन इंटू सिंगल जेट की, ये फार्मूला बन गया, तो यही लिखा है एन एस, एन एस डैश बराबर अंडर रूट एन, ये इसका मतलब अगर नंबर ऑफ जेट एन होगा तो पावर तो एन गुनी हो जाएगी लेकिन स्पेसिफिक स्पीड अंडर रूट एन टाइम्स होगी, स्पेसिफिक स्पीड अंडर रूट एन टाइम्स होगी। ठीक है, अगर आपने मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन इस्तेमाल की, नंबर जेट कितने इस्तेमाल किए, एन, तो नई वाली पावर, न्यू पावर क्या होगी, पुराने वाले की एन गुना, और नई वाली स्पेसिफिक स्पीड पुराने वाले की अंडर रूट एन गुना। ठीक है, पुराने वाले मतलब सिंगल जेट की। ठीक है, ये बात समझ आई, इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, और अगर एग्जाम में आ जाए तो ये वैल्यू, एक तो या संबंध ये वाला डायरेक्ट पूछ सकता है या तो ये वाला डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, और जहां नंबर ऑफ जेट क्या होगा, आपको मैंने बताया है 2 से 6 के बीच होगा, क्यों, मल्टी जेट में नंबर ऑफ जेट क्या होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, क्या बताया था ना, अगर आपकी टर्बाइन का शाफ्ट वर्टिकल है नंबर ऑफ जेट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6, और अगर टर्बाइन का शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है तो नंबर जेट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2,
मतलब मल्टी जेट इस्तेमाल होगा तो नंबर ऑफ जेट 2 से 6 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है टर्बाइन कैसी है, टर्बाइन का शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। अब बात करते हैं यूनिट क्वांटिटीज की, इसकी यूनिट क्वांटिटीज की। अब देखिए, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या बता रहा था? कैरेक्टरिस्टिक कर्व कर रहा था कोई भी पैरामीटर को चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, और उस बदले हुए पैरामीटर पे बाकी पैरामीटर कैसे आएंगे मैं बता दूंगा। मतलब एक पैरामीटर को चेंज करोगे तो बाकी कैसे बदलेंगे मैं बता दूंगा, दूसरे को चेंज करोगे तो बाकी कैसे बदलेंगे मैं बता दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व सब कुछ बता रहा था ऑलमोस्ट। उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उन सारी इन्फॉर्मेशन से में से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ हम अलग से भी प्राप्त कर सकते, अलग से, ठीक है। अब देखो क्या प्राप्त कर सकते। देखो मान लो कोई टर्बाइन है, कोई टरबाइन है, कोई एक टरबाइन है, टरबाइन, बल्कि मैं बार बार टरबाइन बोल रहा हूँ, आप टरबाइन या पंप भी ले सकते हैं, हाँ पंप भी ले सकते हैं, टरबाइन या पंप कुछ भी। ये जो टरबाइन है, अब वो टरबाइन या पंप भी ले सकते हैं, मैं टरबाइन का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो टरबाइन है, मान लो किसी हेड पे काम कर रहा था, कितने हेड पे काम कर रहा था, 300 मीटर हेड पे, सॉरी मिलीमीटर हो गया। टरबाइन किस पे काम कर रहा था, 300 मीटर हेड पे काम कर रहा था, सॉरी 300 मीटर हेड पे काम कर रहा था, 300 मीटर। अब देखो, अब ये 300 मीटर हेड पे काम कर रहा है, और मान लो इस 300 मीटर हेड पे काम करते हुए इसकी स्पीड कुछ है, मान लो 100 आरपीएम। इस 300 मीटर हेड पे काम करते हुए ये जो डिस्चार्ज दे रहा है या डिस्चार्ज खा रहा है वो है मान लीजिए 150, ऐसे ही वैल्यू ले रहा हूँ 150 मीटर क्यूब पर सेकंड। और जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है टरबाइन, मान लो ये पैदा कर रहा है 200 मेगावाट, ठीक है, 200 यूनिट। मतलब एक हेड के संगत टरबाइन का डेटा हमें पता है, हमें यहाँ पे ये पता है कि जब हेड ये होगा तो टरबाइन की स्पीड, डिस्चार्ज, पावर क्या होगा। लेकिन अगर मैं हेड बदल दूं, अब हेड को 300 से बढ़ा के मैंने मान लो 400 कर दिया, 400 कर दिया, और अब मैं जानना चाहता हूं कि हेड के बदलने पर एक है, वो एक हेड के संगत हमें सारी परफॉर्मेंस पता है, सारी डाटा पता है, इस हेड के संगत सारी वैल्यू पता है। लेकिन अगर मैं हेड बदल दूं तो क्या बदले हुए हेड पर क्या स्पीड होगी, क्या डिस्चार्ज होगा, क्या पावर होगी, क्या ये निकाला जा सकता है? यस। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिट क्वांटिटीज। क्या मतलब यूनिट क्वांटिटीज क्या हैं? यूनिट क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके दम पे हम क्या करेंगे, यदि एक हेड के संगत हमें परफॉर्मेंस पता हो तो बदले हुए हेड के संगत परफॉर्मेंस क्या होगी वो निकाल सकते। इसका मतलब यूनिट क्वांटिटीज हमें क्या सुविधा प्रदान कर रही हैं? यूनिट क्वांटिटीज हमें ये सुविधा प्रदान करेंगी कि एक हेड के संगत अगर आपको वैल्यूज पता हैं तो हेड बदलने पर वही पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या होंगी, बदली हुई वैल्यूज क्या होंगी, क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? लेकिन आपके दिमाग में उठेगा, सर क्या ये बातें जो आप यहाँ कर रहे हो कि हेड बदलने के बाद की वैल्यू कैसे चेंज होगी, क्या ये बात जो मॉडल रिलेशनशिप में 5 फार्मूले आपने पढ़ाए थे क्या उससे नहीं कर सकते हैं? मेरा आंसर है, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि यूनिट क्वांटिटीज उन्हीं 5 फार्मूलों से निकल के आई हैं, और अभी मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, उन्हीं 5 फार्मूलों से निकल के आई हैं। हाँ, समझ में आई बात? और इस दौरान बताओ, टरबाइन का हेड बदला है, 300 से 400 हुआ है, पर क्या टरबाइन बदली है? नहीं। तो क्या डायमीटर बदलेगा यहाँ पे? तो डायमीटर सेम होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डायमीटर D1 और इधर मैं लिख दूँ डायमीटर D2, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टरबाइन है, एक ही मशीन है। टरबाइन है कि हम टरबाइन को लेकर चल रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पंप भी ले सकते हो, ये एक ही पंप है, पहले किसी हेड पे हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है, बाद में किसी और हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है, पहले जिस हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है पैरामीटर्स पता है, हेड बदल गया तो बदले हुए हेड पे पैरामीटर्स क्या होंगे। तो जो बात टरबाइन के लिए हो रही वही बात पंप के लिए हो सकती है। इसका मतलब यूनिट क्वांटिटीज जो होंगी ये टरबाइन के लिए भी लागू होंगी, पंप के लिए भी लागू होंगी, ब्लोअर के लिए भी लागू होंगी, यस सभी टर्बो मशीन्स के लिए लागू होंगी। ओके, जो हम पढ़ रहे हैं तो देखो क्या है, पहला यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं, यूनिट क्वांटिटीज का काम क्या है, टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर।
ऑफ अ टर्बाइन, एक टर्बाइन कई टर्बाइन है, एक टर्बाइन प्रेडिक्ट करना है बिहेवियर, यहां बिहेवियर का मतलब कैसे ये पैरामीटर चेंज होंगे, तो प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ टर्बाइन वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशन। वेरिंग कंडीशन का मतलब यहां पर हेड से है कि हेड जब वेरी कर रहा हो, यहां वेरिंग कंडीशंस का मतलब हेड से है कि वेरिंग अंडर वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशन, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कंडीशन काट के यहां लिख सकते हो हेड वेरिंग अंडर सॉरी वर्किंग अंडर वेरिंग हेड। नॉर्मली यूनिट क्वांटिटीज आर यूज्ड, मतलब अगर आपकी एक टर्बाइन बदलते हुए हेड पर काम कर रही है और आपको उसका परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन करना हो तो आप क्या करोगे, यूनिट क्वांटिटीज को इस्तेमाल करो, ये कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट, इन यूनिट क्वांटिटीज, मतलब यूनिट क्वांटिटीज में यूनिट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट क्या करती हैं, बोल तो रहे यूनिट क्वांटिटी पर ये है क्या, पर्पस क्या समझ में आ गया, करना क्या समझ में आ गया, पर ये है क्या। इन यूनिट क्वांटिटीज इट रिप्रेजेंट्स, मतलब यूनिट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स, यूनिट क्वांटिटीज, इट का मतलब यूनिट क्वांटिटीज, यूनिट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द टर्बाइन पैरामीटर्स विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन अ पर्टिकुलर टर्बाइन, मतलब एक ही टर्बाइन है, व्हेन अ पर्टिकुलर टर्बाइन ऑपरेट्स अंडर यूनिट हेड। सर आपने जो बोला सेकंड वाला, पहला वाला समझ में आया, सेकंड वाला जो आपने बोला यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, पर रुको सब समझ में आएगा, अगर नहीं आया है तो थोड़ा धैर्य रखो, बताऊंगा अभी मैं, फट पढ़ो कि जो बिलो मेंशनड यूनिट क्वांटिटीज हैं, मतलब बिलो मेंशन मतलब अगले पेज पे, ये यूनिट पावर, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, हम तीन यूनिट क्वांटिटी पढ़ाएंगे, कौन कौन सी, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, ये तीनों क्वांटिटी की बात हो रही है। बिलो मेंशन यूनिट क्वांटिटीज आर वैलिड फॉर टर्बाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये बात मैंने बताई थी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टर्बाइन और पंप दोनों के लिए लागू होगी, ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट क्वांटिटीज आर यूजफुल फॉर टर्बाइंस और पंप और बोथ, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने इस लाइन का मतलब समझ लिया, हमने इस लाइन का मतलब समझ लिया, अभी इसका समझना बाकी है, पढ़ा पर पता नहीं चला क्या कहा गया, चलो अब चलो समझ लेते हैं आगे। अभी मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप हेड बदल दें, बदले हुए हेड के संगत अगर N1 पता है तो N2 क्या होगा, Q1 पता है तो Q2 क्या होगा, P1 पता है तो P2 क्या होगा, यही निकालना है, और ये कौन बताएगा, यूनिट क्वांटिटीज, यूनिट पॉइंट बताएंगे, ठीक है। लेकिन डायमीटर क्या रहेगा उस दौरान, सेम रहेगा, क्योंकि टर्बाइन क्या है, एक ही है, पंप क्या है, एक ही है, क्योंकि एक ही टर्बाइन में पहले जो हेड था हेड बदला गया है, पैरामीटर बदल जाएंगे पर डायमीटर थोड़ी बदल जाएगा, थोड़ी ना टर्बाइन चलते चलते सिकुड़ जाएगी या फैल जाएगी, टर्बाइन तो वही रहेगी ना, हेड बदलने के साथ साथ RPM बदल जाएगा, डिस्चार्ज बदल जाएगा, पावर प्रोडक्शन बदल जाएगा, पैरामीटर्स बदल जाएंगे लेकिन डायमीटर थोड़ी बदल जाएगा। तो चलो, और हमने ये भी बताया कि ये जो चीज़ें मैं बदले हुए हेड के संगत टर्बाइन के जो नए पैरामीटर होंगे या जो न्यू पैरामीटर होंगे, जो बदले हुए पैरामीटर होंगे, मैं यूनिट क्वांटिटीज की मदद से निकालूंगा। तो आपने कहा सर क्या यूनिट क्वांटिटीज की जगह पे मॉडल रिलेशनशिप में जो 5 फार्मूले पढ़े थे हमने उनका प्रयोग करके नहीं निकाल सकते थे, मैंने कहा था निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और फिर मैंने ये बोला था इनफैक्ट ये यूनिट क्वांटिटीज उन्हीं 5 फार्मूलों से डेवलप हुई हैं, तो कैसे डेवलप हुई हैं चलो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं यूनिट पावर की, देखो यूनिट पावर आपको मैंने मान लो कोई हेड है H1 और इस हेड H1 पे टर्बाइन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो है P1, मतलब ये हेड पता है और ये पावर भी पता है। अब मैं हेड को बदल के कर दे रहा हूँ H2 और मैं बदले हुए हेड पर पूछ रहा हूँ पावर कितना होगा, मतलब ये निकालना चाहता हूँ, मतलब मुझे यहाँ क्या क्या चीज़ें पता है, मुझे यहाँ क्या क्या चीज़ें पता है, देखो मुझे यहाँ पे पता है कि ये H1 कितना है, H2 क्या है, हेड बदल रहा हूँ ना तो कितना बदल रहा हूँ ये बात पता होगी ना, और पहले वाले हेड के संगत प्रेशर पावर कितनी है ये भी पता है, निकालना क्या है, ये हमें P2 निकालना, मतलब यही एक चीज़ है जो हमें नहीं पता, यही निकालना है। एक बार बताओ हेड बदल रहा है, पावर बदल जाएगी, लेकिन डायमीटर क्या रहेगा सेम, क्योंकि मशीन तो क्या है, सेम है। अगर टर्बाइन है तो रनर का डायमीटर सेम होगा, अगर पंप है तो इंपेलर का डायमीटर सेम होगा, कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर तो भी इंपेलर का डाया सेम होगा, ब्लोअर है तो भी डाया सेम होगा, इंपेलर का डाया, टर्बाइन में रनर बोलते हैं, पंप कंप्रेसर ब्लोअर में इंपेलर बोलते हैं, अगर वो रोटरी है तो, रोटरी मतलब डायनेमिक सेंसर पे काम करती है तो। अब हम चलो एक काम करते हैं, यूनिट क्वांटिटीज हम नहीं जानते, मान लो क्या होता है, हम लगाते हैं फार्मूला,
अब बताओ जो मॉडल रिलेशनशिप में पांच फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या उनमें कोई ऐसा फार्मूला है जो एच पी और डी को लेकर चलता है? तो आपको याद होगा, यस हमें एक फार्मूला है याद पढ़ाया सर आपने, ये वाला पी टू बटे डी टू स्क्वेयर एच टू की पावर थ्री बाई टू, मतलब पी बटे डी स्क्वायर एच की पावर थ्री बाई टू, ये आपने पढ़ाया था। और एक काम करो, पी वन बटे डी वन स्क्वायर एच वन पावर थ्री। अच्छा, ये एक मशीन की दो कंडीशन है, अगर मैं तीसरी कंडीशन लगा दूं, चौथी लगा दूं, तो क्या होगा? यही चीज बढ़ती चली जाएगी, ऐसे पी टू पी वन पी थ्री पी फोर ऐसे चलता जाएगा। ये बताओ डी वन डी टू क्या है? बराबर कट गया, बचा क्या? पी टू बट्टे एच टू पावर थ्री बराबर पी वन बट्टे एच वन पावर थ्री बाई। क्या बताओ, आपको एच वन पता है, एच टू पता है, एच वन पता है, एच टू पता है, पी वन पता है, पी टू निकल जाएगा। मतलब अगर आपको यूनिट क्वांटिटीज ना पता होती तो भी आप इस फार्मूले सवाल सॉल्व कर लेते, मतलब यूनिट क्वांटिटीज ना पता तो भी काम चल जाएगा। और देखो, यही अगर मैं दूसरी नंबर कंडीशन, पहले नंबर कंडीशन, यही तीसरे नंबर कंडीशन हो, तो मान लो हेड को मैं एच वन एच टू किया, फिर मैं बदल के एच थ्री कर दिया, फिर बदल के एच फोर कर दिया, फिर बदल के एच फाइव कर दिया, मतलब हेड बदलते चला जा रहा हूँ, एच वन से एच टू, एच टू से एच थ्री, एच फोर, एच फाइव एंड सो ऑन। तो आप करते जाओ तो क्या होगा, पी थ्री बटे एच थ्री की पावर थ्री बाई टू, पी फोर बटे एच फोर की पावर थ्री बाई टू एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो, पहले सेकंड कंडीशन में ये क्वांटिटी, पहले कंडीशन में ये क्वांटिटी, तीसरे क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज हमेशा बराबर आ रही हैं। अगर ये क्वांटिटी हमेशा बराबर आ रही है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कोई कांस्टेंट होगा ना, यस। तो अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, पी बट्टे एच की पावर थ्री बाई। किस कंडीशन में, पहले के दूसरे के तीसरे के चौथे के पांचवें, किसी कंडीशन में ये रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो आएगा कांस्टेंट। और इसी को, इसी पद को जो कांस्टेंट है हमेशा, इसी पद को मैं बोल देता हूं यूनिट पावर। क्या बोल देता हूं? यूनिट पावर। देखो यूनिट पावर कहां से आया है, इसी पांच फार्मूले में से एक फार्मूला प्रयोग करके आया है। और अगर मैं यूनिट पावर को यहां परिभाषित करूं तो क्या होगा, देखो किस प्रकार मैंने स्पेसिफिक स्पीड को परिभाषित किया था, बिल्कुल वैसे ही करूंगा। क्या, इफ एच बराबर वन मीटर, अगर h को 1 कर दो, 1 की पावर 3 बाई टू 1, तो यूनिट पावर बराबर हो जाएगा p। तो अब आप कहोगे किसी टरबाइन की यूनिट पावर, किसी टरबाइन की यूनिट पावर उस टरबाइन के द्वारा प्रोड्यूस्ड पावर के बराबर होती है, बशर्ते वो टरबाइन कितने मीटर हेड के अगेंस्ट काम कर रही है, कितने मीटर हेड पे काम, अगेंस्ट नहीं, कितने मीटर हेड पे काम कर रही हो, 1 मीटर। पंप, पंप का, किसी पंप की सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूनिट पावर उस पंप के द्वारा कंज्यूम्ड पावर के बराबर होगी, बशर्ते वो पंप कितने मीटर हेड के अगेंस्ट काम कर रहा हो, 1 मीटर हेड के अगेंस्ट। ये हो जाएगा, मतलब जब हेड इकाई होगा, इकाई हेड पे जो पावर होगी, इकाई हेड पे जो पावर होगी, इकाई हेड के संगत काम करने पे जो पावर होगी, इकाई हेड के अगेंस्ट काम करने पावर होगी, वो होगी यूनिट पावर। संगत कब बोलेंगे, जब टरबाइन की बात होगी, अगेंस्ट कब बोलेंगे, जब पंप की बात हो रही होगी। तो अगर इकाई हेड, यूनिट हेड के करेस्पॉन्डिंग, यूनिट हेड के करेस्पॉन्डिंग जो पावर होगी वो क्या होगी, यूनिट पावर, तो बोलेंगे पावर करेस्पॉन्डिंग टू यूनिट हेड इज यूनिट पावर। तो वही लिखा है, पावर डेवलप्ड बाय आ टरबाइन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 1 मीटर इज नोन एज यूनिट पावर। यूनिट पावर ऑफ व्हाट, यूनिट पावर ऑफ टरबाइन, ठीक है। इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे पावर की बात की है, इसी प्रकार मैं बात करता हूँ यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड का सिंबल क्या होगा, एन यू। और अब बताओ, मान लो फिर वैसी बात कर रहा हूँ, कोई टरबाइन है, किसी हेड एच पे काम कर रहा था, एच वन पे, तो मैं इसका आरपीएम एन वन था, हेड बदल के एच टू कर दिया, अब बदला हुआ आरपीएम मैं पूछ रहा, लेकिन बताओ डायमीटर सेम रहे कि अलग अलग, डायमीटर तो सेम रहेगा। अब मतलब मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, और ये दोनों बराबर, और ये निकालना है। अब आप बताओ क्या करोगे, कोई ऐसा फार्मूला है जो एच एन और डी को ले चलता हो? हाँ, हेड कोएफिशिएंट, हेड कोएफिशिएंट याद है आपको, यस। क्या पता, पता है एच वन बटे एन वन स्क्वेयर डी वन स्क्वेयर, याद है एच टू बटे एन टू स्क्वेयर डी टू स्क्वेयर। अब बताओ क्या काट सकते हो, डी वन डी टू काट सकते हो, डी वन टू काट दो। अब यहां बताओ क्या बचा, एच वन बटे
एन वन स्क्वायर बराबर एस टू बटे, एक काम करो इसे पलट दो, पलट दो और अंडर रूट ले लो, वो क्या बचेगा एन वन बटे अंडर रूट एच वन, ये क्या बचेगा एन टू बटे अंडर रूट एच टू। अब बताओ चाहे ये फार्मूला चाहे ये फार्मूला हो, क्या अगर आपको एच वन एच टू पता है, एच वन एच टू पता है, एन वन पता है, एच वन एच टू एन वन पता है, तो क्या एन टू ही निकल जाएगा, निकल जाएगा, या इसको फार्मूले देख लो। अच्छी बताओ यहाँ मैंने हेड को एच वन एच टू किया था, फिर एच थ्री करता, फिर एच फोर बदले हुए हेड पे करता, तो ये वैल्यू बदलती जाती, ये होता है एन थ्री बटे अंडर रूट एच थ्री, और अगर हम और बदलते हैं ये होता है एन फोर बटे अंडर रूट एच फोर, और बदलते हैं इसी तरह क्या होता आगे बढ़ता जाता। लेकिन ये चीज़ अगर बदल नहीं रही है, इसका मतलब ये टर्म, ये जो पद है एन बाई रूट एच, एन बाई रूट एच, एन बाई रूट एच, ये हमेशा क्या है कॉन्स्टेंट। अगर ये हर हमेशा कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं एन बाई रूट एच को, एन बाई रूट एच को कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ, और इसी को मैं बोलूँगा यूनिट, यूनिट स्पीड क्या होगी एन बाई रूट एच, यूनिट फार्मूला क्या होगा एन बाई रूट एच। अब परिभाषित कैसे करेंगे, इस h को 1 रख दो, जैसे h को 1 रखोगे nu बराबर n हो जाएगा, वही दो लिखा है। स्पीड ऑफ टर्बाइन, यूनिट स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ टर्बाइन कब वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 1 मीटर, तो यूनिट स्पीड इज द स्पीड ऑफ टर्बाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड, मतलब यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी वो यूनिट स्पीड, तो यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग प्रेशर, यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग पावर यूनिट पावर, यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग स्पीड यूनिट स्पीड, इसी प्रकार यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज जो होगा वो यूनिट डिस्चार्ज होगा, वो यूनिट डिस्चार्ज होगा। कैसे परिभाषित करेंगे, अब आप देख ही रहे हो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो क्यू एच और डी, तो आप जानते हो क्यू बटे डी स्क्वायर अंडर रूट एच होगा, और इसमें से डी कॉमन, डी हटा दोगे, जब डी हटा दोगे क्या बटेगा क्यू बटे अंडर रूट एच, क्यू बटे अंडर रूट एच को क्या बोलूंगा मैं यूनिट स्पीड, समझ रहे हो बात को, तो सॉरी यूनिट स्पीड करें यूनिट डिस्चार्ज, तो यूनिट स्पीड यूनिट डिस्चार्ज यूनिट पावर, सबका फार्मूला आपको पता चल गया, सबका फार्मूला आपको पता चल गया, ठीक है आपको हो गया। समराइज कर देते हैं एक लाइन में, देखो यूनिट डिस्चार्ज क्या होगा क्यू बटे रूट एच, यूनिट स्पीड क्या होगी एन बटे अंडर रूट एच, देखो नीचे हमेशा हेड है ऊपर स्पीड, तो स्पीड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और नीचे अंडर नीचे एच है, और यूनिट पावर तो पावर बटे, अब इसको एच पावर थ्री बाई टू बोल सकते हो या अच्छा ना लगे तो आप ऐसे बोल दो पी बटे एच इंटू अंडर रूट एच, क्योंकि एच और अंडर रूट एच को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर थ्री बाई टू ही आएगा, ठीक है याद करना आसान है, मैंने कैसे याद रखा है क्यू बटे रूट एच, क्यू बटे एन बटे रूट एच, पी बटे रूट एच है लेकिन साथ में एच और मल्टीप्लाई कर दिया थ्री बाई टू हो जाएगा, ये हो गया। और अब आपको जब आपको सारे फार्मूले मालूम पड़ गए तो अब देखो क्या होगा, तो वही एक नोट लिखा है, नोट नोट क्या है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ यूनिट क्वांटिटीज द प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन मशीन टर्बाइन और पंप एटसेट्रा, विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो किसी मशीन की मतलब टर्बाइन या पंप की अंडर एनी हेड, अंडर एनी हेड मतलब हेड बदलोगे ना, जब हेड बदलोगे कोई भी बदल सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो कितना भी घटा सकते हो हेड को, अंडर एनी हेड, अंडर एनी हेड आप क्या करोगे उसकी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ इट्स एक्शन अंडर वन हेड, अगर एक हेड के संगत कोई दिए हुए हेड के संगत मान लो एच वन हेड के संगत आपको परफॉर्मेंस पता है, बदले हुए हेड के संगत मतलब एच टू हेड पर, एच थ्री हेड पर, एच फोर हेड पर जो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस का मतलब जो पैरामीटर्स वैरी करेंगे वो आप यूनिट क्वांटिटी की मदद से निकाल सकते हैं, यही बात बताई मैंने, तो आपने नोट भी पढ़ लिया। अब हम लोग पीछे एक लाइन छोड़ रखे हैं उसी बात करते हैं, हमने कहा था कि सेकंड पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, साफ करते हैं फिर बात करते हैं इसकी। सेकंड पॉइंट इन यूनिट क्वांटिटीज, यूनिट क्वांटिटीज में क्या होता है इट रिप्रेजेंट्स, इट मतलब यूनिट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट, यूनिट क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं टर्बाइन के पैरामीटर्स को, वो तो आपने क्या पढ़ा यूनिट स्पीड यूनिट पावर यूनिट डिस्चार्ज, ये यूनिट स्पीड स्पीड पावर डिस्चार्ज क्या है टर्बाइन के पैरामीटर ही तो हैं, लेकिन जब मैं यूनिट स्पीड बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है इकाई हेड पर क्या स्पीड है, जब मैं यूनिट पावर बोलता हूँ उसका मतलब क्या इकाई
हेड पर क्या पावर है। जब मैं यूनिट डिस्चार्ज बोलता हूँ उसका मतलब क्या, इकाई हेड पर क्या डिस्चार्ज है, मतलब वही लिखा है। तो यूनिट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स द टर्बाइन पैरामीटर्स विच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किए गए हैं व्हेन अ पर्टिकुलर टर्बाइन ऑपरेट्स अंडर यूनिट, यूनिट हेड पर जो स्पीड होगी वो यूनिट स्पीड, यूनिट हेड पर जो पावर होगा वो यूनिट पावर, यूनिट हेड पर जो डिस्चार्ज होगा वो यूनिट डिस्चार्ज। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको यूनिट क्वांटिटीज समझ में आ गई। तो देखो हमने क्या क्या बातें कर ली, यूनिट क्वांटिटीज भी खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट इसको करने के बाद अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम लोग, और न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का है, टर्बाइन की कैरेक्टरिस्टिक कर्व का है, लेकिन कौन से कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात हो रहा है, ऑपरेटिंग 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 कैरेक्टर, मतलब टर्बाइन ऑपरेटिंग कंडीशन में होगी, ऑपरेटिंग कंडीशन में होगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड, उसकी स्पीड क्या रखी जाएगी, कॉन्स्टेंट। और गवर्नर क्या होगा, कनेक्टेड कि डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, अभी तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ टर्बाइन मीन्स द कर्व ड्रॉन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, ये आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या पूछ लेता है, पूछ लेता है, अच्छा और बात करते हैं पहले, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, नंबर 30 ये बताइए, स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं। गिवन दैट एन क्या है, स्पीड मतलब आरपीएम, पी क्या है, पावर, एच क्या है, हेड, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ हाइड्रोलिक टर्बाइन, ध्यान दीजिएगा टर्बाइन का पूछा है, टर्बाइन का पूछा है, तो क्या होगा ये वाला आंसर, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। यही इसमें एक बात मैं बता देता हूं आपको कि टर्बाइन के लिए, टर्बाइन कोई भी टर्बाइन, टर्बाइन जो है मतलब कोई भी, चाहे इंपल्स टर्बाइन चाहे रेशन टर्बाइन, टर्बाइन के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है एन अंडर रूट पी, पी मतलब यहां पावर, और एच की पावर 5/4, ठीक है। और जो पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, पंप के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है वो क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड बराबर एन, जहां अंडर रूट के अंदर पावर है, यहां डिस्चार्ज होता है, पावर जहां पे क्या होता है डिस्चार्ज, और हेड की पावर 5/4 ना होके 3/4, पर जहां 5 था वहां 3 होता है, याद रखिएगा। और इसमें एच किस में रखा जाएगा, मीटर में, एन किस में रखा जाएगा, आरपीएम में, क्यू किस में रखा जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में, याद रखिएगा। यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, किस में रखना है वैल्यू, यहाँ पावर किस में होगी, किलोवाट, पावर किस में, किलोवाट में, हेड किस में, मीटर में, और एन किस में, आरपीएम, ठीक है, तभी तो एसआई यूनिट में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम फार्मूला पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन, क्या बात किया है, स्पेसिफिक स्पीड इसकी टर्बाइन की, इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ सच अ साइज दैट, यहां कहना क्या चाह रहा है, स्पेसिफिक स्पीड किसी टर्बाइन की उस टर्बाइन के स्पीड के बराबर होती है जो सेम होमोलॉगस सीरीज का हो। सेम होमोलॉगस सीरीज का मतलब जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो, होमोलॉगस सीरीज जब बोल दिया मतलब ज्योमेट्रिकली सिमिलर, मतलब इसी टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड इस स्पीड ऑफ रोटेशन के बराबर होती है, उस टर्बाइन के, इसी टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड उस टर्बाइन के ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन के आरपीएम के बराबर होती है, लेकिन कब, जब वो पैदा कर रहा हो 1 किलोवाट पावर, कितने हेड पर, 1 मीटर हेड पर, यही बात इंपॉर्टेंट है। जब भी टर्बाइन की बात हो तो पावर 1 किलोवाट और हेड कितना, 1 मीटर, ये देखो लिखा है, दैट इट डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज लिखा क्या मैंने, पावर और हेड की बात की, एट यूनिट हेड, तो यूनिट हेड तो ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज गलत, क्योंकि टर्बाइन की बात कर रहा है, टर्बाइन की, ठीक है।
डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज, फिर यूनिट डिस्चार्ज हो गया एट यूनिट पावर, ये भी गलत हो गया। डिलीवर्स यूनिट पावर, यूनिट पावर ठीक है लेकिन यहाँ डिलीवर नहीं करेगा टर्बाइन, हाँ डिलीवर करेगा टर्बाइन ना डिलीवर करेगा अंडर यूनिट डिस्चार्ज, ये गलत हो गया। सी पढ़िए, प्रोड्यूसेस यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, ये सबसे सही आंसर है डी। ओके, सवाल नंबर 68 के बाद सवाल नंबर 71। अभी मैंने पढ़ाया स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बो मशीन, ये बात टर्बो मशीन की लिखी है। हाँ मैंने बताया था स्पेसिफिक स्पीड की जो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिक स्पीड को लेकर जो बातें कर रहा हूँ, वो बात केवल टर्बाइन या पंप तक लागू नहीं होगी बल्कि वो किसी भी टर्बो मशीन की लागू होगी। वही लोगों लिखा है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बो मशीन, मैंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, स्पेसिफिक स्पीड रिलेट्स द शेप रादर देन द साइज ऑफ मशीन, मतलब स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से चेंज होती है, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से चेंज। ये बात अगर आपको याद है तो इस चारों ऑप्शन में आप पाओगे कि बी ऑप्शन सही है। जैसे ये लाइन लिखे रिलेट्स द शेप रादर देन द साइज ऑफ द टर्बाइन, आप समझ जाओ कि ये लाइन सही है इस स्पेसिफिक स्पीड को लेकर। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा है, एसएससी जे में पूछा गया, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है, और इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही बात याद रखना, बाकी ऑप्शन नहीं देखना, एक दिख गया टिक करो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 76। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक स्पीड का उद्देश्य क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड के दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है टर्बाइन का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन। दूसरा होता है टर्बाइन को कंपेयर करना, किसी एक कॉमन ग्राउंड पे कंपेयर करना। हम किस आधार पर टर्बाइन को कंपेयर करते हैं? स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर। और सिलेक्शन कैसे करते हैं? स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे। वही सवाल यहाँ पे है। चलिए मैं अब इस बात को फिर से बताता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, बताता हूँ। देखो होता क्या है, अभी तक मैंने आपसे पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने बताया मान लो कहीं का हेड जो है 350 मीटर, मान लो हेड कितना है 350 मीटर, और मैं आपसे सवाल बोलूँ बताइए हेड अगर 350 मीटर है तो टर्बाइन कौन सी लगाएंगे, तो आप तुरंत बोलते हो कि सर इंपल्स टर्बाइन लगाएंगे या पेल्टन लगाएंगे, क्योंकि हेड क्या है 300 से ऊपर, 350 क्या है 300 से बड़ी संख्या है। ठीक, अगर मैंने केवल हेड दिया है और कोई डेटा नहीं दिया है तब तो हेड को लेकर आप निर्णय ले लोगे, लेकिन यदि मैं हेड के साथ कितने स्पीड पर टर्बाइन को चलाना है, कितनी पावर पैदा करना है, कितनी पावर पैदा करना है, तीन चीजें मेंशन कर दो, मतलब मैंने हेड मेंशन किया है, स्पीड मेंशन किया है, पावर मेंशन किया है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी टर्बाइन लगानी है। अब आप क्या करेंगे, केवल हेड को देखकर 350 मीटर है 300 से ऊपर है पेल्टन होनी चाहिए ये नहीं बोल, जब भी केवल हेड दिया जाए तो आप वो 300 से ऊपर है तो पेल्टन बोल सकते हैं, लेकिन हेड के अलावा अगर एग्जामिनर ने आपको RPM और पावर भी दे रखी है तब जो होगा इस आपको टर्बाइन का सिलेक्शन, टर्बाइन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक स्पीड के आधार। क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि वास्तव में टर्बाइन के सिलेक्शन के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी टर्बाइन लगनी है इसका निर्धारण तीन चीजें मिलकर करती, तीन पैरामीटर हेड स्पीड और पावर, ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं कि टरबाइन क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, और हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो इन तीनों को लेकर चलता है, वो पैरामीटर क्या है, स्पेसिफिक स्पीड। क्या है वो? स्पेसिफिक स्पीड, और स्पेसिफिक स्पीड इन तीनों को लेकर चलता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्राइटेरिया, बेस्ट मैथड, बेस्ट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द टर्बाइन, होगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड, मतलब स्पेसिफिक स्पीड को सेलेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, टर्बाइन को सेलेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर सेलेक्ट करना। तो अगर आपसे कोई बोले कि टर्बाइन को सेलेक्ट करने का सबसे बेहतर क्राइटेरिया क्या है, आप बोलोगे स्पेस हेड नहीं स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन्स, और नॉट ओनली टर्बाइन्स इवन फॉर पंप। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब क्या, आपको तीनों पैरामीटर दिया है तो आप स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर सेलेक्ट करोगे। अब बताओ क्या करेंगे, देखो
सजेस्ट द टर्बाइन, देखो साफ साफ शब्द क्या प्रयोग किया, सजेस्ट द टर्बाइन, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है एग्जामिनर ने और आपको बोल रहा टर्बाइन सजेस्ट करो, सजेस्ट द टर्बाइन दैट वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर, कितना वर्क कर रहा है 30 मीटर, ठीक है, एट 400 आरपीएम, कितना आरपीएम पे 400 आरपीएम पे, और कितना पड्डा कर रहा है 15 मेगावाट। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, स्पेसिफिक स्पीड निकालोगे, ये हेड देखते ही मान 30 मीटर, हेड कितना है 30 मीटर, तो बच्चा क्या करेगा, हेड 30 मीटर, दो हेड आएगा, मतलब कप्लान टिक कर देगा, कप्लान कहेगा देखो आंसर ही मैच कर गया, ये आप संयोग है कि आंसर मैच कर रहा, हमेशा मैच नहीं करेगा, जब भी एग्जामिनर बाकी डेटा मतलब स्पीड भी दे दे, पावर भी दे दे, तो आप स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे और तब उसके बाद निर्णय लेंगे, ठीक है, ऐसी बात केवल हेड देख के निर्णय नहीं लेंगे। तो चलो हम लोग स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं, स्पेसिफिक स्पीड को निकालते हैं, देखो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/5, हाँ सॉरी मैं सही कर देता हूँ, हाँ 5/4। अब देखो मैंने बताया था कि आपको यूनिट याद होनी चाहिए, किसमें रखनी है, एन आरपीएम में, या किसमें है आरपीएम में दिया हुआ है 400, तो एन गया 400, पावर अंडर रूट लिखो पहले, पावर, पावर रखना है कितनी है 15 मेगावाट, मेगावाट को किसमें कन्वर्ट करोगे किलोवाट में, ये होगा 15,000 किलोवाट, इसका मतलब क्या यहां 15 रखेंगे नहीं 15,000 रखेंगे, क्योंकि आपको किसमें रखना है वैल्यू किलोवाट में, अब देखो बटे एच की पावर 5/4, एच कितना है, एच है आपका 30, देखो यहां पे 30 पावर 5/4, और अब इसे सॉल्व करना, अब इसे सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करके आंसर मैं बताता हूं आपको, ठीक है, देखो क्या है ये अंडर रूट 15,000 30 की पावर 5/4 पावर 400, ये वैल्यू जो आई है सॉल्व होकर, ये वैल्यू आई है 697.76, कितनी आई है, कोई यूनिट लिखा जाए नहीं, यूनिट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, होती नहीं यूनिट, क्या होती है स्पेसिफिक स्पीड यूनिट होती है, पर अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात समझ आई आपको, तो ये वैल्यू हो गई। अब देखो, अब इस देखो ये किस रेंज में है, तो आपको याद होगा पेल्टन, पेल्टन की रेंज मैंने बताई थी आपको, क्या पेल्टन होगा हाई हेड तो स्पेसिफिक स्पीड लो, क्या है 10 से 60, तो क्या ये 10 से 60 की रेंज में है, नो ये नहीं हो सकती, मैंने बताया था फ्रांसिस, फ्रांसिस याद है 60 से 300 की रेंज में, ये है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती, फिर मैंने बताया था कप्लान, कप्लान और प्रोपेलर दोनों था, कप्लान या प्रोपेलर, प्रोपेलर की रेंज क्या थी याद है आपको 300 से 1000, तो वो ये वैल्यू मैंने याद कराई थी, यहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्या ये वैल्यू की रेंज में है 300 से 1000 के बीच है, यस का मतलब ही सही है, तो आंसर क्या होगा कप्लान या प्रोपेलर। अब देखो पेल्टन नो, फ्रांसिस नो, कप्लान यस, प्रोपेलर दोनों दिया, दोनों यस होगा, लेकिन अब अगर आपको कप्लान और प्रोपेलर में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तो हमेशा कप्लान को सिलेक्ट करिएगा, क्यों, क्योंकि कप्लान की पार्ट लोड इफिशंसी ज़्यादा अच्छी होती है और प्रोपेलर की पार्ट लोड इफिशंसी खराब होती है, तो अगर जो स्पेसिफिक स्पीड की रेंज आई है कप्लान और प्रोपेलर दोनों के में आ रही है, यानी कप्लान और प्रोपेलर वाली रेंज में आ रही है, तो हमेशा क्या सिलेक्ट करेंगे कप्लान, प्रोपेलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर अच्छा होगा कप्लान को सिलेक्ट करें, इससे फायदा है और नुकसान भी है, कप्लान को सिलेक्ट करने से फायदा क्या है, कप्लान को सिलेक्ट करेंगे तो पार्ट लोड इफिशंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन कप्लान टर्बाइन प्रोपेलर की तुलना में महंगी भी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपके जो रनर के ब्लेड हैं उनको एडजस्टेबल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस करने होते हैं, तो वो महंगा हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन वगैरह थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज बात करेंगे ज़्यादा अच्छी कौन होगी कप्लान, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। अब क्वेश्चन नंबर 76 के बाद
और कोई क्वेश्चन हम करा सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था क्या पावर के बारे में, तो क्या लिखा, एक हाइड्रोलिक रिएक्शन टर्बाइन है वर्किंग अंडर हेड ऑफ 16 मीटर डेवलप 640 किलोवाट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट पावर, यूनिट पावर, यूनिट पावर का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। देखो, यूनिट पावर बराबर होता है पावर बटे एच की पावर भाई, बस वही करना है आपको। अब देखो, यूनिट पावर क्या होगी, पावर कितना दिया है, पावर दिया 640 किलोवाट, 640 किलोवाट, कहाँ किसमें रखना है, जो दिया वैसे सेम, अगर ये किलोवाट में होगा तो ये किलोवाट में आएगा, ये मेगावाट तो ये मेगावाट, ये वाट तो ये वाट, ठीक है। अब एच क्या है, एच है देखो 16 की पावर 3/2, इसको सॉल्व करो देखो कितना आएगा, 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 का मतलब क्या, 16 का पहले 1/2 करो, स्क्वायर रूट लो, 4 चौके 16 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का जब क्यूब करोगे तो आएगा 64, ये वैल्यू आएगी 640, 4 चौके 16 16 चौके 64 बटे 64 ये आएगी, और काट क्या आएगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू होगी 10, लेकिन वैल्यू यूनिट क्या होगी, किलोवाट। अब आपका सवाल उठेगा, सर रुकिए, अगर आप इसकी यूनिट की बात करिए तो इसकी यूनिट निकालते समय, इसका यूनिट निकालते समय इसका और इसका दोनों का योगदान होना चाहिए ना, मतलब केवल आप ऊपर 640 है तो 640 किलोवाट ले लिए, कायदे से इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी, 10 किलोवाट, ऊपर वाले की यूनिट किलोवाट और नीचे क्या थी, हेड, हेड मतलब मीटर, मीटर की पावर 3/2, यूनिट ये होनी चाहिए थी, हाँ होनी ये चाहिए थी, पर जो लिखा है किताबों में वो कहते हैं कि हम नीचे वाले को डिस्कार्ड करेंगे और जो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी किलोवाट वही लें, क्योंकि अंडरस्टूड है यूनिट पावर का मतलब क्या, पावर अगेंस्ट यूनिट हेड, पावर अगेंस्ट यूनिट हेड या पावर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट हेड, यूनिट हेड के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगी, इसका मतलब नीचे हेड तो होगा ही, लेकिन उस हेड की यूनिट को शामिल करने कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हम किलोवाट अपॉन मीटर पावर 3/2 लें, किलोवाट लें, किलोवाट लें, हमेशा जो इसकी यूनिट होगी वही शामिल की जाएगी, तो क्या होगी यूनिट पावर, क्या हो गया 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। अब जरा देखते हैं और आगे, क्या ऐसा और कोई सवाल है जो तुरंत कराया जा सकता है, मैं देख लेता हूं और तुरंत आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, अभी तो कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अगर कोई क्वेश्चन और होगा तो मैं अभी आगे आपको करा दूंगा, तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं और अभी अपने वीडियो के ही पुतने पे ही रोकते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में, धन्यवाद।